हेलो फ्रेंड्स, आपका एक्सेस एजुकेशनल वे पे स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आप तक हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो लोग पहले से देख रहे हैं उनके लिए थैंक यू। तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वर्ड, क्योंकि जो बच्चे नए स्कूल में एडमिशन लेने वाले हैं या और भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये एक वर्ड बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देरी ना करते हुए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। वर्ड, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। ठीक है, क्या है? जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, जिनको क्या करते हैं, जिन ध्वनियाँ उन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं। और देखो क्या लिखा है, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाती है। ठीक है, इसी को वर्ण कहते हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी भाषा की ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब कहते हैं वर्णों के प्रकार, तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? अब हम हिंदी में बात करते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है स्वर और नंबर दो व्यंजन। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर वर्ण कौन से होते हैं? स्वर वर्णों को बिना किसी वर्ण की सहायता से, जो स्वर वर्ण होते हैं उनको किसी वर्ण की सहायता के बोला जा सकता है। इसमें हमें किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है और इसमें 11 स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या कौन कौन सी होती है? 11 होती। कौन कौन सी होती है? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि ऋषि, ऐसे अड़ी, ऐसे है ना, कोसे उकली, औसे औरत। ठीक है, अंग से अंगूर और आहा खाली हमारे स्वर नहीं होते हैं, ये अयोग बाहा स्वर होते हैं। अयोग बाहा स्वर होते हैं, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। स्वर क्या होते हैं? जिन्हें बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोला जा सके और जिनकी संख्या 11 होती है, वो स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि ऋषि, ऐसे अड़ी, ऐसे है ना, कोसे उकली और औसे औरत। उसके बाद दूसरा होता है आपका व्यंजन। तो व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। देखिए, स्वरों को बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। ये स्वर हैं, स्वरों की सहायता ली जाती है और इसमें 33 स्वर होते हैं, 33 स्वर होते हैं। और ये देखिए आपके सामने ये लिखे हुए हैं, कौन कौन से होते हैं? का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, घा घड़ी, या खाली, चा चम्मच, छा छाता, जा जहाज, झा झंडा, या खाली, टा टमाटर, ठा ठटेरा, डा डलिया, ढा ढक्कन, अड़ा खाली, ता तरबूज, था थर्मस, दा दबाया, धा धनुष, नानल, पा पतंग, फा फल, बा बकरी, भा भालू, मा मछली, या यग, रारत, लालटू, वावक, शासीटी, सासटकोण, सासरोता, हा हल। ये क्या हैं? ये आपके व्यंजन वर्ड हैं। ओके, ये कौन कौन से हैं? व्यंजन वर्ड हैं। ठीक है, आगे ये भी हमें जानने की ज़रूरत है, आ की ध्वनि किसमें जुड़ी होती है? हमने अभी पढ़ा व्यंजन, जो व्यंजन है उनमें आ की ध्वनि जुड़ी होती है। मतलब हमने क्या पढ़ा था, जो व्यंजन होते हैं उनको स्वरों की सहायता लेकर के बोला जाता है, बल्कि स्वरों को किसी अन्य वर्ण की सहायता के नहीं बोला जा सकता है। मतलब स्वरों को बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी है, लेकिन व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। जैसे इसमें क्या लिखा है, सभी व्यंजनों में आ की ध्वनि जुड़ी होती है, चाहे वो का हो। ये का देखो, ये छोटा का होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, क का में ये लगा हुआ है, मतलब ये अभी का पूरा नहीं है, का में जब आ मिल गया तब ये वाला का बन गया, जिसको हम वर्णमाला लिखते समय यूज करते हैं, लिखते हैं ये वाला का बन गया। यदि किसी व्यंजन में से आ की ध्वनि निकाल दी जाए तो वह व्यंजन आधा रह जाएगा। मैंने आपको बताया कि ये का जो है ये भी कैसा है, आधा है, ये अभी पूरा नहीं है। अगर इसमें से ये नीचे ये जो डंडा लगा हुआ है इसको हटा दिया जाए तो ये पूरा हो जाएगा, मतलब समझा जाएगा कि इसमें आ जुड़ा हुआ है। कौन सा आ? जो आपका छोटा आ है, इसकी ध्वनि इसमें जुड़ी हुई है, इसलिए का क, और उसके बाद जब का बोलते हैं तो का आ, आ साथ में निकलता है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रगुण, ये कुछ नहीं पढ़ना है। फिर अंग और चंद वाला अंग और आहा वर्णों को अयोग वाह कहते हैं। इस हमने आपको उधर बताया था कि अंग से अंगूर, आहा खाली और ये अंग, ये जो होते हैं वर्णों, ये जो वर्ण हैं ये अयोग वाह वर्ण होते हैं। कौन से वर्ण होते हैं? अयोग वाह वर्ण होते हैं। छा से छत्री, त्रा त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी और स्रा, ये वर्ण जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्यों? क्योंकि ये संयुक्त, छा जो है, छा देखो कैसे बनता है,
छा बनाने के लिए हमें का और शा इनको ऐड करना पड़ता है, तब ये बनता है छा, जैसे कच्छा, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद आपका जो ग्या है, ग्या को बनाने के लिए हम कैसे पढ़ेंगे, जा और या, जा और या मिलकर ग्या बनता है, जिया, जिया मतलब ग्या, ग्या जा और या, आधा जा और या मिलकर ग्या बनता है, ठीक है। वैसे ही आपका त्रा, ता छोटा और रा मिलकर त्रा बनता है, और शा जो है ये आपका शा प्लस रा, ये देखो लिखा हुआ है शा, ये शा प्लस रा मिलकर श्रा बनता है, ठीक है। अब ये देखो ढा और ढा, वर्णों को अतिरिक्त वर्ण कहते हैं, मतलब जो अतिरिक्त वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं। अब ये कौन से, ये जो ढा और ढा है ये अतिरिक्त वर्ण है, अतिरिक्त वर्ण का मतलब हो गया कि ये और एक्स्ट्रा वर्ण है इसमें, तो ये इनका जो है विकसित रूप है, किनका, ये जो ढा है और ये वाली ढा है, जो पढ़ने वाली ढा है और ये वाली ढा है, इनका ये विकसित रूप है, ठीक है, ये ओके। अभी इधर देखो ये क्या है, वर्णमाला, ये है वर्णमाला। वर्णमाला में कितने होते हैं अक्षर जो होते हैं, वर्णमाला में कुल 48 वर्ण होते हैं, 48 वर्ड होते हैं, 48 वर्ण होते हैं। अभी हम आगे क्या पढ़ते हैं कि 52 वर्ड होते हैं, जिसमें हम श्रा मिला देते हैं, रिसे रिसी मिला देते हैं, इन सबको मिला देते हैं तो वो 42 वर्ण हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जब हम पढ़ते हैं वर्णमाला में कितने 48 वर्ड होते हैं, ये देखिए आपके नीचे आपके सामने लिखा हुआ है, इसको हम हाईलाइट भी कर रहे हैं पेंसिल से, ठीक। और ये कुछ दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, जैसे भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसमें जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाते हैं, मतलब जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, हमने पीछे पढ़ा, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। वर्ण व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके व्यंजन होते हैं उसमें आ की ध्वनि जुड़ी होती है, ठीक है। अब ये आपका अभ्यास दिया हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है, अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं, देखिए आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको कंप्लीट कर लें। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे, और इसी तरह जो है ना चैनल को सपोर्ट करते रहें, जिससे और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो और भी लोगों को इससे हेल्प मिल सके, तो लोगों को वीडियो शेयर करें, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दें, जिससे क्या है कि हमें प्रोत्साहन मिलता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।